नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रुचा शर्मा। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार बिहार में खूब सियासत हो रही है। अब तो जोड़ तोड़ और छोड़ वाली राजनीति भी हो रही है, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि सामने वाली पार्टी के विधायक टूटने वाले हैं। कभी आरजेडी दावा करती है कि जेडीयू के कई विधायक टूटेंगे, कभी कांग्रेस की तरफ से दावा सुनने को मिलता है, तो अब बीजेपी की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया कि खरमास के बाद आरजेडी बिखरने वाली है, तेजस्वी की सेना टूटेगी। दरअसल बीजेपी के कद्दावर नेता भूपेंद्र यादव ने ये दावा किया है और उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को चुनौती भी दी है। आगे क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। बीजेपी के बिहार प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को बड़ा बयान दिया। उनके बयान से बिहार की सियासत में हलचल है। उन्होंने आरजेडी को खरमास बाद अपनी पार्टी बचा लेने की चुनौती दे डाली। इसके दावे के अनुसार खरमास बाद आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है। भूपेंद्र भाजपा की पटना जिला कार्य समिति की बैठक के सातवें और अंतिम सत्र में ये बातें कह रहे थे। भूपेंद्र यादव ने दावा किया कि आरजेडी में परिवारवाद के खिलाफ नेताओं में काफी नाराजगी है और इस हालत में पार्टी को बचाने के लिए नेता प्रतिपक्ष को अपनी पार्टी बचाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरजेडी वाले आजकल बहुत सारी नासमझी बातें करते हैं। मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं कि आरजेडी में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो महसूस कर रहे हैं कि परिवारवाद से मुक्ति मिलनी चाहिए। अभी खरमास चल रहा है, इसलिए चुप। अब खरमास तक इंतजार कीजिए, संक्रांति के बाद तेजस्वी अपनी पार्टी बचा ले, बिहार में बाकी चीजें हम ठीक कर लेंगे। आरजेडी विधायक परिवारवाद की राजनीति से बाहर निकलने के लिए खुद ही परेशान है। वहां सिर्फ परिवारवाद चलता रहा है, जबकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में विकास के कार्य हो रहे हैं। 5 वर्षों तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चलेगी, विकास की गति पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि आरजेडी तरह तरह की अफवाह फैला रही है, वर्ग संघर्ष के लिए बिहार में वामपंथ को खड़ा कर दिया है। उसे ये समझ लेना चाहिए कि बिहार राष्ट्रवाद और विकास के पथ पर ही चलेगा। पटना में भाजपा मजबूत स्थिति में है। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग ने खुद अलग रास्ता चुना है, भाजपा कार्यकर्ताओं को तरजीह देती है। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को अब उप मुख्यमंत्री बनाकर इसका उदाहरण भी हमने पेश किया। तो एक तरफ जहां आरजेडी की तरफ से जेडीयू पर हमला किया गया और ये कहा गया कि जेडीयू के कई विधायक टूट रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस के ही कई विधायक टूट रहे हैं, तो अब बीजेपी ने ये बड़ा दावा किया है कि तेजस्वी यादव की सेना टूटने वाली है। बस खरमास तक का इंतजार कीजिए। और इसके साथ तेजस्वी यादव को चेताते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी बचाना चाहते हैं तो बचा लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बन रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।